सभी फिश को पानी से अच्छे से वॉश कर लिए हैं मैंने। अभी हम हल्दी डाल देंगे। स्वाद अनुसार नमक, वेजीज में मैंने लिए हैं ग्रीन चिल्ली, आलू इसे बंगाली में डाटा कहते हैं, एक टमाटर लिए हैं मैंने, कुछ धनिया पत्ता लिए हैं, मीडियम साइज के दो प्याज लिए हैं। कढ़ाई बिठा दिए हैं मैंने और गरम भी हो गए हैं मेरे कढ़ाई। मस्टर्ड ऑयल में फिश को फ्राई करेंगे। ये सामरी सीजन में आप लोग बना के खाइएगा। पतला सा एक ग्रेवी बनते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी एक रेसिपी है। बंगाली लोग बहुत पसंद करते हैं इस डिश को। फिश फ्राई करना मेरा हो गया है। अभी कढ़ाई से हम निकाल ले रहे हैं। फिर से इसी कढ़ाई में तेल डाल दे रहे हैं। फोरन में तेज पत्ता और सफ़ेद जीरा, इसे अच्छी तरह से चला लेंगे। जो मैंने प्याज चॉप करके रखे थे वो डाल दिए। प्याज से रॉ फ्लेवर चले जाए उतना ही हमें भूनना है प्याज को, कलर चेंज नहीं करने हैं। कटे हुए टमाटर डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, अभी सब्जी डाल देंगे। अभी इसे अच्छे से चला लेंगे। सारे मसाले हमें ऐड करने हैं। हल्दी पाउडर 2 चम्मच, स्वाद अनुसार नमक, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक कम ज़्यादा कीजिए। फर्स्ट बार में ही आप ज़्यादा करके नमक ऐड मत कीजिए, नहीं तो कड़वा हो जाएगा। अभी हम डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर 1 चम्मच, थोड़ा सा पानी ऐड कर रहे हैं क्योंकि मेरा मसाला जले ना, इसीलिए अभी मिक्स कर लेंगे। इसी तरह आपको भी मिक्स करना है। देखिए सब्जी से तेल छोड़ दिए हैं। अभी 2 कप पानी डाल देंगे। ये थोड़ा पतला ही ग्रेवी बनता है तभी खाने में मज़ा आता है। सामरी सीजन में ये डिश बहुत ही अच्छे लगते हैं, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। ढक्कन लगा देंगे 5 मिनट के लिए।
5 मिनट के बाद देखिए फ्लेम को हाई कर देंगे। अभी इसमें फिश डाल देंगे। जीरा पाउडर ऐड करेंगे 2 चम्मच। इसकी फ्लेम बंद करने के 5 मिनट आगे ही आप जीरा पाउडर डालिए, तभी इसका फ्लेवर और टेस्ट अच्छे आएंगे। अब देखते हैं, वाव बहुत अच्छे से हो गए हैं। इतना ही ग्रेवी मुझे चाहिए। अभी हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे इसमें। अगर मेरा रेसिपी आप सब लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी हम ढक्कन लगा के गैस बंद कर देंगे। सर्व करने के लिए रेडी है।